हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम किसी स्कूल के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इन फाइनेंशियल टर्म लगा लो, एसएससी लगा लो, वो कैसे चेक कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपको रिक्रूट किया जाता है इस पोजीशन पे कि आपने किसी स्कूल की ऑडिटिंग करनी है, फाइनेंशियल ऑडिटिंग, उसमें स्कूल के जो फंड्स वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, कैसे उनका यूज हो रहा है, कोई करप्शन तो नहीं, तो आप कैसे उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक सिंगल बंदे का काम नहीं कि किसी स्कूल के रिकॉर्ड्स इन टर्म फाइनेंशियल वो एक सिंगल बंदा चेक करे, उसके लिए एक टीम वर्क होता है। तो इन केस अगर आपको ऑडिटिंग में शामिल किया जाता है कि आपने इस स्कूल की ऑडिटिंग करनी है, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, तो आपने कैसे करना है, देन क्या है हाउ टू चेक स्कूल रिकॉर्ड्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्कूल रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए जो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ स्कूल का अकाउंटेंट है वो प्रोवाइड करेगा। उसमें क्या होता है, आपको स्कूल के अकाउंटेंट के पास जाना है, विजिट करना है स्कूल में, आपको उसके अकाउंट डिपार्टमेंट की जो फाइल्स हैं, जो रिकॉर्ड बुक है, उनको चेक करना है कि फाइनेंशियल टर्म सही हैं एज पर जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, उस अकॉर्डिंग उनकी एंट्रीज हैं, कैश एंट्री हैं, जो उसमें डेबिट क्रेडिट की टर्म्स हैं वो सही हैं। उसके पर्पज़ के लिए आपको क्या है कि अकाउंटेंट आपको जो उनकी अकाउंटिंग बुक्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको चेक करनी है। इसमें आपको हेल्प लेनी पड़ेगी या गाइडेंस लेनी पड़ेगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA बोलते हैं उनको, उनकी हेल्प की, वो उनसे पूछना कि हमने कैसे एक स्कूल की ऑडिटिंग कैसे कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए आपको कम से कम 2-3 अकाउंटेंट चाहिए जो आपके ऑडिटिंग में हेल्प करेंगे। सेल परचेज के देखना पड़ेगा इसमें कि जो सेल की एंट्रीज हैं वो प्रॉपर टाइम से की हैं, परचेजिंग की एंट्री ठीक है, जो डे बुक बन रही है वो उनकी टोटलिंग वगैरह ठीक है। इस पर्पज़ के लिए आपको क्या है, प्रॉपर टाइम से सबसे पहले विजिट करो, उनकी अकाउंटिंग बुक चेक करो, बैलेंस शीट देखो, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट देखो, बैलेंस दैट पर्पस आप रिकॉर्ड वगैरह चेक कर सकते हो। एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे दविंदर जी, ये जो टैक्स का होता है कि ये काफी सीरियस होता है, इसको कैसे होगा, मान लो कि TDS सही काटा है या जो टैक्स सर्विस टैक्स, क्या स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने सर्विस टैक्स पे किया है, उसको कैसे वो चेक करे सर। इसमें जैसे परसेंटेज क्या हो रहा है कि एक ही ब्लंडर बन गया टैक्स एविएशन, जैसे अभी 14% हो गया 12.5% से, क्या इम्प्लाई ने 12.5% काटा है कि 14% काटा है, ऐसे कुछ चीजें या कैसे चेक कर सकता है सर। इस पर्पस के अगर आपने ये जानना है कि टैक्स डिडक्शन वो सही ढंग से हो रही है और कहां से हमें पता लगे कितने परसेंट काटा, तो इसके रिगार्डिंग आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रॉपर जानकारी चाहिए तो हर एक एजुकेशन लाइन या इंडस्ट्री में HR सेल होता है, वो आपको जिनका काम सैलरी बनाना होता है वो वर्किंग डेज तैयार करते हैं, वो आपको बताएंगे वहाँ आपको जस्ट ऑर्ली नहीं बता सकते कि हम ऐसे, आपने उसे डिमांड करनी कि हमें आपकी इम्प्लॉयज की जो सैलरी शीट है वो चाहिए। उसमें आपको देख सकते हो कि वहाँ लिख रखा होता है कि इसमें 12% डिडक्शन हुई है TDS की, या अगर कोई अदर चार्जेस हैं तो वहाँ से आपको पता चल सकता है। कुछ वेरीफाई भी कर सकते हैं जैसे बिल्स बिल्स सर, ये ये क्वेश्चन होता है कि ये ऑडिटिंग का पार्ट है, अगर बहुत सारे ब्लंडर होते हैं कि HR डिपार्टमेंट किसी कम सैलरी डालते हैं, किसी ज्यादा डालते हैं, तो उसको वेरीफाई करने का तरीका है कि आप उनसे शीट लो जो HR ने बनाई है, ठीक है, शीट को आप अकाउंट्स रिकॉर्ड है जो अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड है, जो वाउचर बुक का है, वाउचर में से जो बिल है, जो वो डेज बनाते हैं बट सैलरी डालने का कम अकाउंट डिपार्टमेंट का होता है वो सैलरी डालते हैं, उस जो आपको एक तो जो अकाउंट्स की जो सैलरी शीट है जो इशू की उन्होंने HR से, वो शीट को लेकर आप वहाँ एक सिस्टम होता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है, अगर मैनुअल होता है तो सिस्टम होगा, अदरवाइज वहाँ रिकॉर्ड होता है, और आजकल बायोमेट्रिक मशीन होगी, वो बायोमेट्रिक पर डे टाइम, उसमें टाइम होता है इम्प्लॉय के आने का और जाने का, वो पूरे मंथ की शीट निकालती है पार्टिकुलर इम्प्लॉय, आप किसी इम्प्लॉय राहुल की निकाल लें तो पार्टिकुलर मंथ के डेज वर्किंग डेज आते हैं, उसे आप वेरीफाई करके उसके, ठीक है, मतलब एक एक बिल को वेरीफाई किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ सैंपल लेने से, कि सैंपल लें के वो मैनुअली एक एक चीज चेक करनी चाहिए। अगर आपको ऑटोमेशन वाली शिफ्ट है तो वो तो बहुत कम टाइम है, उसमें एम्प्लॉय का नाम और पर डे की टोटलिंग डिटेल आ जाती है, उसको आप सैलरी शीट वेरीफाई कर सकते हो कि 28 डेज बन रहे हैं या 24 डेज हैं, तो इक्वली हैं, उस हिसाब से सैलरी वगैरह बन रही है, ये चेक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।